हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप सारे बढ़िया होंगे और अपनी लाइफ को खूब इंजॉय कर रहे होंगे। तो वेलकम हो गया आपका हमारे चैनल पर, जिसका नाम है तत्वा तत्ला फैमिली। फैमिली। तो आज हम जो आपके लिए गाइस वीडियो लेकर आए हैं, वो वीडियो बहुत इंटरेस्टिंग होने वाली है, क्योंकि पाकिस्तान का एक व्लॉगर है जो इंडिया में गया और उसने इंडियन ट्रेन का विजिट किया है, जिसका हम आपको टाइटल बताते हैं वीडियो का, कि इंडियन ट्रेन ट्रेवल इज फंटेस्टिक। तो ये चेन्नई लड़के का सेंट्रल रेल नहीं, स्टेशन लड़के का नाम क्या है जो पाकिस्तान का गया? बाज बाज शबीर शबीर रीच डे रीच चेन्नई चेन्नई। सेंट्रल रेलवे स्टेशन। ये एक साफी है पाकिस्तान के जो टीम के साथ गए थे, उन्होंने सारा विजिट किया। इनका हमने एक अच्छा, वीडियो भी देखा था, वो बाइक्स वाला, वो क्या भी इनका बात ही है। वीडियो तो था। ये भी वीडियो फिर इनका, इसका हाँ मतलब जी कमाल का होगा। तो बिल्कुल, पहले वीडियो देखते हैं, फिर इसके ऊपर बात करते हैं। ये ले जी वीडियो। ट्रेन का डिनर है, चार है, चावल है, रोटी है, दही है। मैंने वीडियो बंद करो यार, मैं पहले कुछ खिला रहा हूँ इसको। थैंक यू। आप तो पाकिस्तान का वो ये लेकर घूम रहे हैं ना, सही इसीलिए तो हमारा ये क्यूरियासिटी है क्या है, सही। क्यों? थैंक यू। आप तो 1 मिनट भी सीट में नहीं बैठे थे, नहीं मैं नहीं बैठा, पूरा मैं 4 घंटे इधर उधर घूम रहे थे। बड़ा ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है जी, बहुत ही ज़बरदस्त, इंटरेस्टिंग जी। 10 साल पहले मैं चेन्नई आया था, दस टोटली साल चेंज है चेन्नई पहले अभी, टोटली चेंज है। बेशुमार लोग मिले यहाँ पे भी, लोग जो है ना वो चेन्नई के अंदर जिस जिसको भी पता लग रहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर पहुँच गए, तो वो बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। चेन्नई एक्सप्रेस बिल्कुल चेन्नई पहुँचने वाले हैं, बिल्कुल पीछे देखें लोकल शाहरुख खान ट्रेन की। भी है। और ये दो भाई हैं, इन्होंने बड़ी अच्छी सर्विस की है और मेरे साथ सेल्फियाँ भी बनवाई हैं। बड़ी मोहब्बत से पेश आए हैं, बड़ी इन्होंने खिदमत की हमारी ट्रेन में। ये अभी हम पहुँच गए हैं, करीब है। ये चेन्नई स्टेशन के करीब पहुंच चुके हैं, अब यानी हम चेन्नई पहुंच गए। चेन्नई नई नई चेन्नई एक्सप्रेस, ये भी लगे। ये इंडियन ट्रेन है, बड़ा अच्छा हमारा सफ़र रहा है, बहुत ज़बरदस्त जर्नी। हम चेन्नई पहुंचे हैं, ये पैसेंजर्स हैं, ये ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच देखने के लिए गए थे पाकिस्तान इंडिया का मैच, बेंगलुरु। ऑस्ट्रेलिया तो कैसा? अच्छा रहा था, इट वॉज गुड। लेकिन टीम की, पाकिस्तान की परफॉर्मेंस अच्छी नहीं रही नहीं, थी। हमने हमको ये कोई की टीम का परवाह नहीं है, हमें तो अच्छा क्रिकेट देखना था, देख लिया, बहुत ही अच्छा था। ये फॉलो करते हैं जी, इंडिया के अंदर बहुत लोग, जब हम अमृतसर से दिल्ली और दिल्ली से अहमदाबाद जा रहे थे इंडिया पाकिस्तान मैच पे, तो पूरी फ्लाइट्स एवरीथिंग बुक था। हमें बहुत मुश्किल से फ़्लाइट मिली अहमदाबाद की। अच्छा, तो ये इंटरेस्ट है इंडिया में लोगों का, क्रिकेट के साथ बड़ा लगाव है, क्रिकेट के साथ और पाकिस्तान के साथ। थैंक यू। तो पाकिस्तान के ये बात तो ये वाकई सच है ना, सही। इसीलिए तो हमारा ये क्यूरियासिटी है क्या है, सही। क्यों? थैंक यू। आप तो 1 मिनट भी सीट में नहीं बैठे थे। नहीं मैं नहीं बैठा, पूरा 4 घंटे इधर उधर घूम रहे थे। ओके, थैंक यू, थैंक यू सर। ये चेन्नई रेलवे स्टेशन, ये कौन सा स्टेशन कहते हैं उसको? सेंट्रल स्टेशन, चेन्नई सेंट्रल। इससे पहले मैं आया था चेन्नई सेंट्रल स्टेशन, लेकिन मैं बाई एयर आया था कलकत्ता से। अच्छा, इसके साथ बहुत प्यारा कलर है। ये डबल डेकर, ये डबल डेकर ट्रेन, यश की तस्वीर लगी हुई, सारी डबल डेकर ट्रेन, ये भी यश, ये भी यश है कि एक एक बोगी उन्होंने लदा लदा एक्टर की तस्वीरें लगाई हुई। सही, बड़ी प्यारी ट्रेन है यार, कलरफुल और बहुत ज्यादा। पहुंचे जी हम चेन्नई। ये चेन्नई सेंट्रल स्टेशन है, हम पहुंच गए हैं चेन्नई और अब हम यहाँ से होटल जाएंगे। मैं आपको बताऊंगा कि होटल हम किस तरीके से जाएंगे और कहाँ पे जाएंगे, शहर की फुटेजेस भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूंगा। चेन्नई रेलवे स्टेशन है, अब ये बैग हैं हमारे पास दो दो, इसको हम कैरी कर रहे हैं और अब हम होटल की तरफ जाएंगे। बहुत सारे लोग यहाँ पर हमें मिले हैं, बड़ा अच्छा खाना सर्व हुआ, पहले स्नैक्स मिले, फिर सूप मिला और फिर रात का बहुत अच्छा डिनर था ट्रेन में, योगर्ट, दाल, पनीर वाला था डिश हमारे पास, और बहुत अच्छी सर्विसेज। बड़ा साफ रेलवे स्टेशन है, सेंट्रल स्टेशन है चेन्नई का, इम्प्रेसिव, बहुत ज़बरदस्त। आप देखेंगे हर चीज़ डिजिटल है,
टाइमिंग्स, और ये ट्रेन थी हमारी जिस पे हम चेन्नई पहुँचे। ये देखें, इस ट्रेन के ज़रिए हम पहुँचे हैं। ये देखें जी, ये चेन्नई सेंट्रल स्टेशन है, बहुत ज़बरदस्त स्टेशन, ज़बरदस्त सफ़र। वी आर हेडिंग टूवर्ड्स टैक्सी स्टेशन। चेन्नई स्टेशन है और अब हम बाहर निकले। यस, ये चेन्नई स्टेशन है और अब हम बाहर निकल रहे हैं। बहुत सारे लोग जो हैं वो इस ट्रेन के अंदर ऑस्ट्रेलिया पाकिस्तान का मैच देखने गए हुए थे, और बहुत सारे लोग अब पाकिस्तान अफगानिस्तान का मैच देखने के लिए इधर चेन्नई आए हैं। पहुँचे हैं चेन्नई। ये मेरे पीछे जो है वो सेंट्रल जो सिटी की ट्रेन हैं ये यहाँ से चलती हैं, और इस तरफ जो है ये मेट्रो है। साथ ही मेट्रो है, ये मेट्रो है। अभी आपको मैं और भी दिखाऊंगा। ये देखें, ये रिक्शा स्टैंड है, बड़ा रश है यहाँ पे, बड़ा ज़बरदस्त ज़बरदस्त रिक्शा स्टैंड। यहाँ पे हम खड़े हैं, यहाँ पे हमने टैक्सी बुक की हुई है और यहाँ पे टैक्सी आएगी थोड़ी देर बाद। ये देखें जी, कितने 13 प्लेटफॉर्म्स का तो सिग्नल मुझे यहाँ पे नज़र आ रहा है। और ये मेरे पीछे सेंट्रल जो इंटरनल सिटी ट्रेन है उसके सारे ट्रैक्स हैं, और वो एक भाई बता रहे थे कि पीछे मेट्रो है जो 40-50 किलोमीटर्स की है और पूरा कवर करती है पूरे चेन्नई को। तो अभी चेन्नई का सफ़र शुरू हुआ है, अभी हम बैठेंगे इसमें टैक्सी में और फिर हम होटल की तरफ जाएंगे। सफ़र अच्छा रहा और आरामदेह सफ़र था, और नींद भी नहीं आई है मुझे इस सफ़र में। सो हमने बड़ा इन्जॉय किया, खाना बड़ा अच्छा था, मिले ट्रेन में बेशुमार लोग मिले यहाँ पे भी। लोग जो है ना वो चेन्नई के अंदर जिस जिसको भी पता लग रहा है कि पाकिस्तानी यहाँ पर पहुँच गए, तो वो बड़े प्यार से पेश आ रहे हैं। बड़ा ज़बरदस्त रेलवे स्टेशन है जी, बहुत ही ज़बरदस्त इंटरेस्टिंग जी। 10 साल पहले मैं चेन्नई आया था, टोटली चेंज है चेन्नई अभी, टोटली चेंज है, टोटल चेंज। 140 साल पुराना स्टेशन है, ब्रिटिश दौर का ये स्टेशन बना हुआ है। पूरे इंडिया के अंदर यहाँ से ट्रेन्स जाती हैं। ये इसका एंट्री पॉइंट है, आप देखेंगे कितना रश है, कितनी दुनिया यहाँ पे आ रही है मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म से। सेंट्रल स्टेशन जा रहे हैं कुछ लोग, मेट्रो पकड़ रहे हैं। गहमा गहमी है यहाँ पे भरपूर किस्म की, और ये गहमा गहमी हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे। अभी हम होटल के लिए रवाना हो रहे हैं, वो भी हम आपको दिखाएँगे सीन होटल तक का। ये चेन्नई पहुँचे हैं जी, बहुत तारीखी बिल्डिंग्स हैं स्टेशन के साथ साथ। टूवर्ड्स होटल हम जा रहे हैं, ट्रेवल कर रहे हैं होटल की तरफ। ये मेट्रो है, हर शहर में, हर स्टेट में मेट्रोज हैं, सेंट्रल ट्रेन्स हैं, मेट्रो हैं। बहुत ज़्यादा फ़र्क पड़ा है 10 साल पहले, मुझे तो अभी वैसे याद नहीं है। चेन्नई एक्सप्रेस में सब कुछ देखा था, तो चेन्नई हम स्टेडियम देखते हैं, तो आज हम चेन्नई शहर में आ गए हैं। ये देखें जी, हम होटल पहुंच चुके हैं, और बड़ा अच्छा सफ़र रहा हमारा बेंगलोर से चेन्नई तक का। बड़े अच्छे लोग मिले, बहुत अच्छी गपशप हुई ट्रेन में भी। लोगों ने बड़ा वेलकम किया कि जिनको पता चला हम पाकिस्तान से आए हुए हैं मैच की कवरेज के लिए, बड़े खुश हुए। बड़ी चीज़ें शेयर हुई आपस के अंदर, कैसा है चेन्नई, बेंगलोर, अहमदाबाद। अब हम होटल में चेक इन होंगे, और उसके बाद कल हमारी एक्टिविटीज़ शुरू होंगी, और वो एक्टिविटीज़ हम आपको रिपोर्ट करते रहेंगे मुसलसल। तो अब हम चेन्नई पहुंच चुके हैं, चेन्नई से अब्बास शबीर को इजाज़त दीजिएगा। जी गाइस, तो ये थी आज की वीडियो शब्बीर अब्बास की। तो यार बहुत ही इन्होंने कमाल का एक छोटा सा व्लॉग बनाया है कि चेन्नई ट्रैवल के ऊपर, कि जिन्होंने जिन्होंने चेन्नई में ट्रैवल किया। और आपको ये पता है कि तमिलनाडु अपने स्टेट है, तमिलनाडु, हाँ तमिलनाडु, उसकी स्टेट
तमिलनाडु एक इंडिया की स्टेट है और ये चेन्नई उसकी राजधानी है, कि जैसे हम कैपिटल कह सकते हैं कि इंडिया में बहुत ज़्यादा स्टेट है तो ये तमिलनाडु का सबसे बड़ा सिटी है। अच्छा, स्टेशन की बात की जाए तो बहुत ही खूबसूरत, हाँ बिल्कुल साफ सुथरा, कमाल था। हाँ और मतलब वो अच्छी लग रही थी ट्रेन, वो बहुत जबरदस्त थी, कलर उसका बहुत जबरदस्त। दूसरी बात, अंकल की बात बहुत अच्छी लगी कि क्रिकेट से बहुत लगाव, लेकिन अंकल ने कहा सिर्फ क्रिकेट से लगाव नहीं है, पाकिस्तान से भी बहुत लगाव है। इंडिया के लोग पाकिस्तान से बहुत बिल्कुल। मुझे एक लड़का बता रहा था, कहता यार हम ये दुआ करते हैं कि पाकिस्तान सिर्फ इंडिया से हारे, बाकी किसी से ना हारे। कहता बाकी अगर किसी के साथ मैच होगा ना, हम बिल्कुल पाकिस्तान की सपोर्ट करते हैं। और इंडिया के बहुत से लोग भी दावे कि पाकिस्तान आगे जाए। यार ये जो न्यूजीलैंड के साथ मैच हुआ है, उसके अंदर सारा क्राउड पाकिस्तान के सपोर्ट के अंदर। हां बिल्कुल, मैंने खुद देखा इंडिया, वो जब बारिश हो रही थी ना तो वो मतलब पूछ रहे थे यार किसी से, तो वो यही कह रहे थे कि हम पाकिस्तान को सपोर्ट करते हैं। पर हम तो अभी बात करें रेलवे स्टेशन। हाँ, रेलवे स्टेशन बहुत जबरदस्त है यार। हाँ अच्छा लगा यार। हाँ, वो कह रहे हैं कि मैं 10 साल पहले चेन्नई में आया था, 10 साल के बाद अब चेन्नई में आया हूँ तो इतना फर्क पड़ गया, इतना चेंज हो गया, बहुत डेवलप हो गया। मैं तो एक बात कर रहा हूँ कि शबीर अब्बास साहब ने 10 साल बाद गए हैं, अगर ये 4-5 साल बाद जाते तो ये उन्होंने कहना था कि फर्क पड़ गया और भी, तो ये आगे अगर 2 साल बाद जाएंगे तो ये कहेंगे चेन्नई और ज्यादा अच्छा। और मेट्रो साथ ही पिछले साइड पे मेट्रो है जो पूरे चेन्नई को कवर, पूरे इंडिया में ना मेट्रो 390 किलोमीटर पर मेट्रो फैली हुई है। कि जैसे हम समझ लें कि अगर हम लाहौर से बहावलपुर आए ना तो हम मेट्रो पे आ सकते हैं, इतनी मेट्रो इंडिया में फैली हुई है। इंडिया मेट्रो के ऊपर बहुत ज्यादा काम कर रही है और तरक्की अपने प्रोजेक्ट को बहुत ज्यादा मतलब प्रेफर करते हैं और उस पे काम करते हैं। बिल्कुल, ये बात इसीलिए कहते हैं कि हमारे पाकिस्तान में भी ऐसे प्रोजेक्ट होने चाहिए। वो उसने बताया कि ये अंग्रेजों के दौर का बना हुआ था और अब कैसे, और हमारे देख ले जैसा वो बना गए अभी तक वैसे। मैं ये कह रहा हूँ कि उन्होंने पुरानी जो उनकी बिल्डिंग है ना, उन्होंने उनको डेवलप किया है कि शेप वही देने दिए ताकि लोगों को पता चले कि ये ब्रिटिश दौर की बिल्डिंग बनी हुई है, उनके हिसाब से उन्होंने वो बिल्डिंग तैयार की है। तो वाकई यार चेन्नई बहुत ही अच्छा सिटी, और रेलवे स्टेशन जो हमने देखा है बहुत कमाल का था, मज़ा आया। तो गाइस आपको हमारी वीडियो कैसी लगी है कमेंट्स लाजमी कीजिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, रखिएगा बहुत सारा ख्याल। गुड बाय, अल्लाह हाफिज़।